चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जेल वाली वैन पर हुए हमले के बाद आफ्ताब को भारी सुरक्षा के बीच एफएसएल लाया गया, जहां आफ्ताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। कल आफ्ताब का करीब 7 घंटे तक पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया था। वहीं एफएसएल के बाहर भी भारी संख्या में बीएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। एफएसएल के आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है, वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक का नाम निगम गुर्जर और दूसरे का कुलदीप ठाकुर है। दोनों गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके अलावा बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और इस मामले में हिंदू सेना नाम के संगठन ने भी अब बयान जारी किया है और इस हमले को आरोपियों की निजी सोच बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने हमले के आरोप में जिन लोगों को पकड़ा है वो इस संगठन से जुड़े हैं। वहीं गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत 6 राज्यों में कई जगह पर लॉरेंस के करीबियों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। एनआईए की टीम सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर पर छापेमारी कर रही है। लॉरेंस के पार्टनर रवि के खिलाफ 10 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं यमुनानगर में काला नराणा का गुर्गा अभिषेक के ठिकानों पर भी रेड की गई। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोशिश हुई है और इस बार इसके लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के फिल्म निर्माता नदाव लैडर ने द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है और जिसके बाद इसराइल के राजदूत ने भारत से माफी मांगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसराइल के राजदूत के बयान का समर्थन किया है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ की और अमृतसर बॉर्डर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली 2 महिला जवान बताई जा रही हैं और बताया यह भी जा रहा है कि बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराने के साथ ड्रग्स की खेप को भी बरामद किया। कार्रवाई को देर रात अमृतसर ग्रामीण जिले के चाहरपुर गांव के पास अंजाम दिया गया। यह इलाका सीमा से लगा हुआ है। और वहीं राजस्थान के कोटा में कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स विभाग की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया यह गया है कि नारकोटिक्स विभाग की टीम ड्रग्स तस्कर को पकड़ने पहुंची थी और इसी दौरान आरोपी सरपंच अपने साथियों के साथ मिलकर छत से फायरिंग करनी उसने शुरू कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। हालांकि नारकोटिक्स विभाग ने मौके से 50 लाख रुपए का डोडा चूरा भी बरामद किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप यह है कि वहां कुछ दबंगों ने महिला समेत 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वो पूरी तरीके से घायल हो गए। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग एक तरफ महिला को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ 2 लोग एक आदमी को जमीन पर गिरा गिरा कर पीटते नजर आए। इस दौरान आरोपियों के हाथों में धारदार हथियार भी देखने को मिला, जिससे उन्होंने अटैक किया था। वहीं यूपी के मऊ जिले से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। बताया यह गया कि जमीन विवाद पर 2 गुटों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर दोनों गुटों के लोग आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। 2 गुटों में मारपीट के बीच महिलाएं भी लाठी से हमला करती हुई नजर आईं और देखते ही देखते ये मारपीट खूनी झड़प में तब्दील हो गई। वहीं यूपी के रायबरेली में बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और इस मारपीट में जमकर डंडे भी चले। मकान के छज्जे पर 2 पक्ष में विवाद हुआ, उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ डंडों से वार पलटवार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद जो जिस पर भारी पड़ा उसने दूसरे पक्ष को पीटना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ डंडों से वार किया। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर कार्रवाई करते हुए 130 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है और अब उनकी बेनामी संपत्ति को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायक एक अपराधी को पुलिस रिमांड से छुड़वाने के आरोप में सजा काट रहे हैं, जिसके बाद से ही पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुरजोर तरीके से जुट गई है। मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का खंबे पर चढ़कर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और लड़के के खंबे से नीचे उतारने के लिए पुलिस वालों को घंटों तक जद्दोजहद करनी पड़ी। शराब पीने की जिद पर लड़का बिजली के खंबे पर चढ़ गया। काफी देर बाद जब पुलिसकर्मियों ने उसे शराब की बोतल दिखाई, वो खंबे से नीचे उतरा और पुलिसकर्मी से बोतल लेकर शराब पीनी शुरू कर दी। बिहार के मुंगेर में पुलिस बड़ा एक्शन देखने को मिला है पुलिस का। वहीं पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 20 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह गया कि शराब की पेटी को हिमाचल प्रदेश से तस्करी करके बिहार लाया गया था और बिहार में अवैध शराब को खपाने की भी पूरी तैयारी थी।
वहीं यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इनामी बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इसके दो साथी पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक लड़के की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करके भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्या का आरोपी और उसके साथी गोली लगने से घायल हो गए। एनकाउंटर के दौरान सब इंस्पेक्टर भी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कंटेनर के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहां एक महिला को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उसने टोल के बैरियर तक को तोड़ दिया, लेकिन पुलिस की टीम ने उसे कंटेनर का पीछा किया और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं सड़क हादसे के बाद घायल महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है, उसका लगातार इलाज किया जा रहा है। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का कहर देखने को मिला है, जब सड़क पार कर रहा एक आदमी उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना कुबेरनाथ बाजार की बताई जा रही है, जब एक आदमी सड़क पार करता दिखा, लेकिन तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार होकर आए। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, इतनी तेज थी कि सड़क पार कर रहा आदमी बच नहीं पाया। झारखंड के बोकारो में पीस सड़क में आग का कहर देखने को मिला है। यहाँ अचानक एक कार में आग लग गई और थोड़ी ही देर में पूरी तरीके से कार जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस बीच सड़क पर कई लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। आग लगने के बाद गाड़ी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। इस घटना का वीडियो वहां से जा रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि वायरल हो रहा है। हरियाणा के रोहतक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटें दूर दूर तक उठती हुई नजर आई। पहले बैग की दुकान में आग लगी और फिर थोड़ी ही देर में आग ने कपड़े और जूते की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। दमकल कर्मियों ने लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चीन में कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंधों की वजह से लोगों ने शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। कई प्रांतों और शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन लगाने का विरोध कर रहे हैं और शी जिनपिंग के इस्तीफे की अब मांग भी पुरजोर तरीके से उठने लगी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चीन से विरोध के अधिकार का सम्मान करने को कहा। चीन में एक दिन में 40,000 नए केस सामने आए। और वहीं अमेरिका के हवाई में कुछ वक्त से शांत पड़े ज्वालामुखी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, डर है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। पृथ्वी के सबसे खतरनाक और बड़े ज्वालामुखियों में से एक ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हुआ और कई दिनों तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से इस ज्वालामुखी ने कोहराम मचा दिया है। विस्फोट के बाद वहां से लावे की नदी बहती हुई दिखाई दी। ज्वालामुखी के लावे के बहने का सिलसिला लगातार जारी है।